हुई है। पहला जो योजना है वह है पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत गुणसागर से शलवजा पथ वाया ससंडा खैरमा बारवा सेटना का पथ है, इसमें 59,56,85,000 रुपए की स्वीकृति है। ये लखीसराय जिले के महत्वपूर्ण पद है और ये पथ गुणसागर से प्रारंभ होकर ससंडा खैरमा बैरवा सेठना आदि जगहों को जोड़ते हुए सलाजा तक जाती है। दूसरा पथ है पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अंदर मोहद्दीन नगर कुशाहा बाकरपुर सुल्तानपुर घटोला घटोल मोहम्मदपुर बुचाहाट का पथ है। ये समस्तीपुर जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है और ये पथ NH 122B से निकलकर कुशाहा बाकरपुर अंधगोलवा सुल्तानपुर महदीपुर मसलीपुर होते हुए NH 22B पर समाप्त होती है और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुखिया स्थापित करने के लिए ये मददगार होगा और सुदूर दक्षिण भाग वाले गंगा नदी के तटबंधीय क्षेत्र वाले इलाकों को संपर्क का प्रदान करेगी। तीसरा पथ था पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत मतासी NH 333A से बल्लोपुर एवं विद्युत सबग्रेड तरहारी भाया मतासी बल्लोपुर पथ जस्टिस मोड तरहारी यह 38,70,45,000 रुपए का पथ है और यह लखीसराय जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ मतासी मोड NH 333A से प्रारंभ होकर मतासी गांव मतासी बल्लोपुर पथ BR कॉलेज तहरा गांव आदि जगहों से होते हुए विद्युत सबग्रेड तरहारी तक जाती है। यह पथ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरती है। पथ निर्माण हो जाने के कारण कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुगम एवं सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। राज्य के लखीसराय जमुई बांका एवं अररिया जिले के कुल चार पुल परियोजना चार पुलों का भी आज स्वीकृत हुआ है। एक लखीसराय का है SH 08 से क्यूल स्टेशन के बीच क्यूल नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पौंड पथ का निर्माण। दूसरा जमुई सोनो चरखा के दूसरे किलोमीटर में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए उच्च स्तरीय पुल एवं पौंड पथ का निर्माण। बांका जिला के कच्ची कावरिया पथ से 34वें किलोमीटर में कुमरसार से धौरी के बीच बधवा नदी पर RCC पुल एवं पौंड पथ का निर्माण। अररिया जिला में चांदनी चौक से अजमतपुर बैनपुर पथ से परमान नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पौंड पथ का निर्माण। इसमें कुल लागत इन चार में से 175,28,91,000 रुपए राशि व्यय होगी। जल संसाधन विभाग की भी दो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। पहला है सारण तटबंध के किलोमीटर 40 से किलोमीटर 72 के बीच तटबंध सुदृढ़ीकरण तथा तटबंध शीर्ष पर अवस्थित सड़क का पुनर्स्थापन कार्य, इसमें 60,92,00,000 का व्यय होगा। दूसरा योजना है तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य, प्राकलित राशि 181,76,00,000 रुपए इस पर व्यय होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी दो महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है। किशनगंज जिले में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज के लिए अतिरिक्त आपके हॉस्टल फैकल्टी के लिए आवास बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, इसमें कुल लागत 77,58,00,000 इसमें व्यय होगा। तो किशनगंज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपके अतिरिक्त फैकल्टी के लिए ब्लॉक है, रेजिडेंशियल ब्लॉक है, बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है। इसी तरह बांका जिले में भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका, उसमें फैकल्टी ब्लॉक है, आपके स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है, मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम भी है। तो इसमें 150,94,11,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। गृह विभाग का यह आपके बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो होमगार्ड है उनकी सेवा में अराजपत्रित कर्मियों को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में 1 माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त 1/5 वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमानीयता
प्रदान करने के संबंध में, तो कब ये क्षतिपूर्ति अवकाश 20 दिनों का उनको प्राप्त होगा। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा कि मेजर हॉस्पिटल बन रहा है, 5000 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, और इसका पावर स्टेशन भी बहुत बड़ा पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसमें 132/33 केवीए का ग्रीन जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र का अधिष्ठापन हो रहा है। इसी का रिवाइज एस्टिमेट आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया, जो कि 3,25,16,63,000 रुपये का एस्टिमेट है। राजकीय पहले ये 255.89 करोड़। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा, यह भी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में कुल 3,49,78,00,000 प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, इसमें स्कोप ऑफ वर्क का परिवर्तन हो गया, अब ये 6,29,18,00,000 रुपए इसका रिवाइज एस्टिमेट इसका सैंक्शन हुआ है। गृह विभाग में जो सैनिक कल्याण निदेशालय है, इसके अधीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यालय प्रचारी एवं परिचारी रात्रि पहरे के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के संबंध में कार्यालय प्रचारी एवं परिचारी रात्रि पहरी संवर्ग 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग में बहुत सारे नियमावली की स्वीकृति दी है, मैं सब पढ़ देता हूँ।